आशा के मोती चैनल में गोकथा। एक 7 वर्ष का राजकुमार था, उसका नाम नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसु यज्ञ करने की सोची, उसी हेतु गो का दान कर रहे थे, पर वो सारी गायें मृत थी। तो नचिकेता ने कहा के पिताजी, ऐसी गौं का दान करना चाहिए जो दूध देती हों, और ऐसी वृद्ध गौं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गौं का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा, और पीछे का राज्य तुझे संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गायें तेरे लिए बचे। मैं तेरे लिए दूध देने वाली गायें रखना चाहता हूँ। मैंने वृद्ध गौं का ही दान दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रखूंगा। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, फिर भी कहूँगा आपको बूढ़ी और बीमार गाँव का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना हो तो गो माता के पास जाना, अगर तुम्हें शिव जी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 7 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा, और यमराज ने उसे दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा के बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है, अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है, अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जय गौ माता, जय गोपाला, जय सियाराम।